वो जलधिवग्धाम्रजमो देव्यो विगताय सर्वाज्ञं सर्वाजयाजुधान्योधराजे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है पूजा का पांचवा दिन और आखिरी दिन। आज हवन हो जाएगा 3 बजे के आसपास शाम के टाइम में, और 4 दिन की पूजा बहुत अच्छे से हो गई। आज 5वां दिन है। आज सुबह की भी पूजा हो चुकी है और अभी थोड़ा सा और बाकी है, वो भी हो जाएगा और फिर शाम में हवन होगा। तो हवन के लिए आज खीर पूरी वगैरह बनेगी, तो वही मैं किचन में आई हूँ अभी बनाने के लिए। और दोपहर का पंडित जी का फलाहार बनाना है, तो वो आई हूँ बनाने के लिए। तो फिर मैं किचन में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, जब बन जाएगा फिर मैं दिखाऊँगी। और फलाहार में पंडित जी कट्टू के आटे की पकौड़ी लेते हैं, आलू की और लौकी की सब्जी बिना हल्दी के मसाले वाली, तो वही है मैं अभी बनाऊंगी। और पीछे बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी, जो पंडित जी पाठ कर रहे हैं इसी तरीके से बोल करके सारा दिन पाठ करते हैं। जितना इन्होंने कहा है उतना पाठ आज पूरा कर लेंगे और फिर शाम में हवन होगी। तो आज आखिरी दिन है और कल फिर दूसरी पूजा एक हो जाएगी। कल शाम को ये लोग जाएंगे, मज़ा तो बहुत आया। और इन लोग के जाने के बाद ना घर पूरा खाली खाली सा लगता है, तो कोई बात नहीं, अब हमेशा तो रह नहीं सकते। लेकिन ये है कि हाँ, हर साल करवाऊँगी, पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी हो रही है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में काम वगैरह करने के बाद, क्योंकि आज बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। कान्हा एज यूजुअल पंडित जी के साथ अपना टाइम पास करते हुए, और अभी हवन की तैयारियां शुरू होंगी, सामग्री मिलानी शुरू होंगी। जो सुबह की पूजा है वो ख़त्म हो चुकी है और ये अब तैयारियां शुरू हो रही हैं हवन करने की। चूड़ ही नहीं रहा। तुम मिला ही नहीं पाएगा कान्हा, इतना चीज उसमें डलेगा। फिर बस बस बस, आराम से कान्हा, आराम से गिर जाएगा। अब तो मैं ना पूरा उसी को नहीं छुपाऊंगा। नहीं, ये जो पेट ही इसका टाइट पड़ रहा है, इसका बटन लगा दिए पैंट का। आप बटन लगवा लिया है देखा। अच्छा, इसी का माला होता है। कान्हा यही लक्ष्मी जी को चढ़ता है ना कमलगट्टा। अच्छा अच्छा, इसी का मखाना होता है, इसी को भूजने से। जब निकलता है पानी से तो ऐसा ही रहता है, जाली में उलझा हुआ। नहीं नहीं नहीं, इसका रखा रहता है। अच्छा, उसमें भी सोना था ही रहता हूँ। अच्छा, पत्ते के नीचे लगा रहता है, निकलता है। यही है कमलगट्टा, यही खेती। हाँ, इसी की है, मखाना जो है मिथिला का ही है। तब तो इधर कच्चा मखाना होगा, समझ जाएंगे। इसका भूल से मखाना निकलता है। कच्चा कमलगट्टा, अगर इसको भूल जाए तो मखाना बन जाएंगे। नहीं, कमलगट्टा आयुर्वेद वाले में मिलेगा। काना काना, गिरना नहीं चाहिए, सुन रहे हो? हाँ। छोड़ दो, मैं मिक्स कर रहा हूँ। तुमसे नहीं होगा बेटा, छोड़ दो। हाँ, बस बंद ही करना है, देख देख लेते, खोल जाएगा तो फिर। शाम में 7 बजे के आसपास फोन कर लेना। हाँ।
घर पे पूजा बोला ना, पूजा में आऊंगा भैया। कान्हा थोड़ा सा गलती से खाने दे ना। मैं कान्हा घी गरम कर दीजिए डब्बा। हाँ हवन के लिए काना, तुम गिराओ मत बेटा। हाँ कितना? दोनों डब्बा? एक डब्बा घी। हाँ और इसमें मिलाना, इसलिए अब तुम छोड़ दो, हाथ तुम्हारा जल जाएगा। ठंडा करके मिलाएंगे, लेकिन मिलाएंगे। सुबह से मैं सारा काम कर रही थी। काम वाम करने के बाद सुबह की पूजा हुई, फिर अभी दोपहर में मैंने खाना बनाया और पंडित जी ने इधर हवन की सारी सामग्री तैयार की और जिस पर हवन होगा वो हवन कुंड तैयार किया और सारा कुछ हो चुका है। बस एक चीज़ बच गई, जो शाम को रुद्राभिषेक होती थी ना वो आज दिन में हो जाएगी, क्योंकि अभी हवन के बाद नहीं होगा तो हवन के पहले वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले मुझे अपना सारा काम फिनिश करना था, तो मैंने किचन का सारा काम लगभग ख़त्म कर लिया है और बस ये रुद्राभिषेक हो रहा था तो ये भी अब ख़त्म ही होने को है। बस दो मिनट और रह गए हैं, उसके बाद फिर हवन शुरू होने वाला है कुछ ही देर में। तो चलिए दिखाती हूँ आपको भी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ हवन कुंड जो है। ये देखिए ये बन चुका है, ईटा नीचे ईट लगाई गई है, उसके ऊपर से बालू और उसके ऊपर से इस तरह से हल्दी और आटे से बनाया गया है हवन कुंड। और सामग्री आपने देख ही ली, उसको कुछ और भी साकल बोलते हैं, तो वो भी रेडी हो चुकी है। और ये मेरा खाना, खाने में मैंने भिंडी की सूखी सब्जी बनाई है, हलवा पूरी खीर और आलू गोभी की गीली सब्जी, ये है खीर। तो सारी चीज़ें बन चुकी हैं और पंडित जी ने ये दिया है एक मिट्टी का बर्तन, इसमें बोला है सरसों तेल लाने को, तो बस मैं उनको सरसों तेल देने जा रही हूँ। उसके बाद हवन शुरू हो जाएगा, तो मुझे बस उसमें बैठना है। कहते हैं औरतें आहुति नहीं देती हैं, सो मुझे उसमें सिर्फ बैठना है, आहुति नहीं देनी है। स्वाहा 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 नीलकाय स्वाहा अमलाशूलाय स्वाहा महाकालाय स्वाहा प्रसागणस्य स्वाहा स्वाहा विष्णवे स्वाहा शोधाय स्वाहा पितृरोगेभ्य स्वाहा गणपतय स्वाहा अभ्य स्वाहा मारुभ्य स्वाहा पृथिव्य स्वाहा गंगादिनिभ्य स्वाहा सप्तसागरेभ्य स्वाहा ओमेरवे स्वाहा गादाय स्वाहा त्रिशूलाय स्वाहा ओम भद्राय स्वाहा सत्तय स्वाहा ओम दंडाय स्वाहा खड्गाय स्वाहा पाशाय स्वाहा अंकुशाय स्वाहा गौतमाय स्वाहा ओम भरद्वाजाय ओम विश्वामित्राय। हवन हो चुकी है ख़त्म, सारा आज हो गया। 5 दिवसीय कार्यक्रम जो था वो ख़त्म हो चुका है, बस कली पूजा बची है। फाइनली ये सारा जो है वो कुछ ख़त्म हो चुका है। और और मेरा सारा खाना जैसे कि आप लोगों ने देखा बन चुका है, बस अभी ब्राह्मण भोजन बाकी है, वो भी करवाना है। और उसके बाद भी यार बहुत ज़्यादा सारे काम होते हैं किचन में, पता ही है कितने ज़्यादा काम होते हैं, तो वो सारा कुछ करके मैं आपसे मिलूँगी। सबसे आखिर में सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, तो बहुत खुश हूँ कि अच्छी तरीके से सब कुछ हो गया। और तो मैं इस वीडियो को सोच रही हूँ कि यहीं पे ख़त्म कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, पूरा दिन किचन में खड़े खड़े बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मतलब थोड़ा सा भी कहते हैं ना कि बैठ भी नहीं पाई हूँ आज सुबह से, और इसको देखो ये सारा दिन सिर्फ बदमाशी किया है और कुछ नहीं, सिर्फ बदमाशी।
बदमाशी के अलावा ये कुछ नहीं करता है ना खाना? अच्छा नहीं, बदमाशी नहीं करता, ये बहुत अच्छा बच्चा है ये। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छे हो तुम, आ जाओ आ जाओ। गुस्सा हो गया तो चलो, अगर आपको थोड़ा सा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय। हाँ अच्छा, चल तुम भी बोल दो, आ जाओ आओ, बोलो बोल तो दो। ठीक तो चलो मिलोगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। आप लोग अपना ध्यान रखना और प्यार देना है ना। चलो बाय बाय।